ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी को दे दिया है। फिर उसके बाद गाइस, आप सभी को करना है कि आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस, जो आपका मॉडल है वो आप सभी को कैसे लगाना है वो मैं पहले आप सभी को बता देता हूँ। एंड करना क्या है, पहले तो गाइस आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो है अपना इस मॉडल का डुप्लीकेट कर लेना है। अगर आप रोटेट करना चाहो तो अपना रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप इस पर डुप्लीकेट कर लेना एंड इसको सेम साइज़ में ही रख देना अपने मॉडल के। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है FX वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को चले जाना है कलर्स में। फिर आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, इसका आपको अमाउंट जीरो कर देना है एंड ऊपर से मर्ज कर देना है। फिर उसका नेगेटिव वाला ले लेना है एंड इसको भी मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद कलराइज में जाकर आप सभी को यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही गाइस आप सबको दिख रहा होगा ह्यू में, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना, चले जाना है इरेजर टूल में एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देना है। ब्रश को लेना है, हार्डनेस को कम कर देना है, ओपेसिटी को कम कर देना है, साइज को अपने हिसाब से रख लेना जितना आप रखना चाहो। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे फटाफट से इस तरीके से ग्लोइंग इफेक्ट डालना है, ठीक है। यानी कि मतलब कि जो पीछे जो आपके जो ये फायर जो क्रैक वॉल है, इसमें से जो ग्लोइंग निकल रहा है वो आप सभी के मतलब आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए मैंने आप सभी उसे बनवाया, ठीक है। तो बट आप सभी को अभी करना क्या है, इतना करने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को पहले तो उसका ब्लेंडिंग मोड आप चाहो तो स्क्रीन भी रख सकते हो और लाइटन भी रख सकते हो, ठीक है। बट आप लाइटन रख लेना, स्क्रीन भी रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको उसका डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ओपेसिटी कम लगे तो ही डुप्लीकेट करना, अगर सही लगे तो कोई बात नहीं, मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, थोड़ा सा मतलब कि इसमें मेरे को एरिया थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे से इरेज कर लेता हूँ। एंड इसको फिर क्या करना आप सभी को गाइस, इसके बाद तो पहले मैं थोड़ा सा इसको मॉडल इसको मतलब जो पीएनजी थोड़ा आगे की तरफ करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे लगा देने के बाद ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को आप क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो में। एंड यहाँ से आप सभी को एक विगनेट का पीएनजी मिल जाएगा। आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से लगा देना है एंड यहाँ पे सिंपली डन कर देना है, ठीक है। तो इतना हो चुका है। अब आप सभी को करना क्या है, आप सभी को इस फोटो को लेना सेव एंड इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप के अंदर। लाइट रूम ऐप पर ले जाने के बाद आपको ले जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में। फिर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को बढ़ा देना है, शेडो को जो है इसको भी बढ़ा देना है एंड जो व्हाइट है आप सबको इसको भी बढ़ा देना है। ब्लैक है जो इसको आपको हल्का सा कम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चले जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, चाहो तो टेम्परेचर को माइनस कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको येलो कलर में जाना, इसका ह्यू जो है आपको माइनस कर देना है एंड इसका सैचुरेशन आपको प्लस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको डार्क ब्लू में चले जाना, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है। अगर आपने ब्लू टोन डाला हो तो यार फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड उसका डन कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना आपको कलर्स के नीचे वाले टोन में, फोटो को जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में जो विगनेट है वो भी डाल देना है। एंड उसके बाद आप सबको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा, तो आप सबको उसको ही बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना आप सबको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो नोड डायरेक्शन है आप सबको उसको ही बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सबको मिलेगा कलर नोड डायरेक्शन, तो आप सबको उसको ही बढ़ा देना है। एंड गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।